वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रियोलॉजी। रियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रियोलॉजी क्या है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रियोलॉजी का जो टर्म है वो दी थी बिंगम ने, इसीलिए बिंगम को कुछ लोग मॉडर्न रियोलॉजी का फादर भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न रियोलॉजी। एक्चुअली रियोलॉजी एक ग्रीक टर्म है, इसमें जो रियो है उसका मीनिंग है टू फॉलो और डिफॉर्म, और लॉगस का मतलब रहता है स्टडी और साइंस। सो मैं ये कह सकता हूं रियोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये हम रियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन रियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं हम? तो रियोलॉजी को पढ़ने का जो खास मकसद ये है कि हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी मटेरियल की सुटेबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, फॉर ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इस तरह से टू रिलेट द रिजल्ट्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए मटेरियल, जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से, तो वो हम रिलेट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ में, चाहे कोई भी मटेरियल हो जैसे पॉलीमर। इस तरह से जो रियोलॉजी है इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे पॉलीमर्स में, पेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, या फिर इंक्स में, रोड बिल्डिंग मटेरियल जो रहते हैं वहां पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, कॉस्मेटिक्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, फॉर्मुलेशन ऑफ ए ड्रग और एनालिसिस ऑफ दैट ड्रग उसमें भी इसका एप्लीकेशन। इस तरह से इमल्शंस में, इमल्शन फॉर्मेशन में, या पेस्ट जो बनाते हैं हम तो उनमें इसकी एप्लीकेशन है। टैबलेट कोटिंग जो हम फार्मास्यूटिकल टैबलेट कोटिंग करते हैं तो वहां पे इसकी एप्लीकेशन है। इस तरह से मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल कैसे मिक्स कर सकते, कितना मिक्स होगा, तो वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन है। इस तरह से फ्लो ऑफ मटेरियल और पैकिंग ऑफ मटेरियल इनटू अ कंटेनर, वहां इन सब चीजों में रियोलॉजी का एप्लीकेशन है, यानी रियोलॉजी की जो नॉलेज है इसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरह से आप पोरिंग ऑफ ड्रग्स या एक्सट्रूजन ऑफ पॉलीमर या सिरिंजेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, यानी ये कोई ड्रग सिरिंज में भर सकते हैं कि नहीं, क्या ये फिर इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी सिरिंज में ये फ्लो होगा कि नहीं, ये सब हमें रियोलॉजी से पता चलता है। तो रियोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि स्ट्रेस क्या रहता है और स्ट्रेन क्या रहता है और शेयर स्ट्रेस क्या रहता है, ये सब चीजें हमें समझनी है, तब जाके हम रियोलॉजी को समझ सकते हैं, यानी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स या फ्लो ऑफ लिक्विड्स किस तरह से हो सकता है या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो सिट्रस है, सिट्रस का मतलब रहता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी आप कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं, जिस तरह से प्रेशर होता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये जो इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं कहूंगा पास्कल इसका यूनिट आएगा। अब स्ट्रेन का मतलब क्या रहता है? स्ट्रेन का मतलब रहता है इलोंगेशन, या मैं बोलूंगा एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। सपोज आपके पास में रबर बैंड है, आप कितना एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब आपने कितना स्ट्रेन लगाया, कितना खींचा है उसको, खींचने को बोलते हैं स्ट्रेन करना, और दबाने को बोलते हैं या ऐसे फोर्स लगाने को, प्रेस करने को बोलते हैं स्ट्रेस देना, ठीक है। अब स्ट्रेस जो रहता है, स्ट्रेस हमारे पास में दो तरह का रहता है, हमें स्ट्रेस ही पढ़ना है एक्चुअली। एक रहता है नॉर्मल स्ट्रेस, यानी हमने प्रेशर दे दिया या दबाव डाल दिया किसी चीज पे, जैसे फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, ये मान लो एक मटेरियल है, इसके सरफेस पे हमने दबाव डाला परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इसको बोलूंगा मैं नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन अगर मैं यही फोर्स पैरेलल टू सरफेस लगाऊं या टेंजेंशियल टू दिस सरफेस, यानी यहां पे लगा दूं फोर्स इधर, तो यहां पे डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी, यहां पे डिफॉर्मेशन इससे कम, यहां पे डिफॉर्मेशन इससे कम, यहां पे डिफॉर्मेशन इससे कम। ये जो पैरेलल वाला स्ट्रेस जो है ना, इसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस, क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। और जो परपेंडिकुलर वाला स्ट्रेस रहता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? तो अब इन स्ट्रेसेस में हमारे पास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शियर स्ट्रेस, क्योंकि रियोलॉजी को अगर समझना है तो शियर स्ट्रेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी पे फोकस ज्यादा करने वाले हैं और रियोलॉजी ज्यादातर इसी से डील करता है। अब देखो शियर स्ट्रेस क्या रहता है, शियर स्ट्रेस का मतलब रहता है ये, मान लो आपके पास में कोई पॉलीमर है या कोई फ्लूइड है, अगर आप इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे फोर्स लगाते हैं तो मैं इसको कहूंगा कि ये शियर स्ट्रेस है। मान लीजिए ये कुछ किसी लिक्विड को ले रहे हैं हम या किसी पॉलीमर को ले रहे हैं, तो दीज आर पॉलीमर लेयर्स आर लिक्विड लेयर्स,
जब भी हम किसी मटेरियल को, फ्लोइंग मटेरियल को रिप्रेजेंट करते ना, दिखाते, हम कहते हैं कि लेयर बाय लेयर रहता है, क्योंकि जहां पे हम स्ट्रेस ज्यादा देंगे वहां पे डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी, वो लेयर ज्यादा मूव होगी, उसके नीचे वाली लेयर कम मूव होगी, उसके नीचे वाली लेयर उससे कम मूव होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये दो लेयर्स लेंगे हम, यहां पे हमने स्ट्रेस दिया, स्लाइडिंग स्ट्रेस जिसको आप बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। जिस तरह ताश के पत्ते हैं मान लो यहां पे जमा है, हमने उसको ऐसे हिला दिया, पैरेलल टू सरफेस हमने उसको स्ट्रेस दिया, तो ऊपर के जो पत्ते ज्यादा मूव होंगे उसके नीचे थोड़े मूव होंगे, उसके नीचे जो होंगे पत्ते और कम मूव होंगे। इस तरह से लिक्विड्स में भी होता है। तो मैं बोलूंगा इन दो लेयर्स में अगर हम देखेंगे, ये अगर वी वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो ये जो ऊपर वाला है ये वी प्लस डीवी वेलोसिटी से मूव होगा। तो इन दोनों में जो वेलोसिटी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इन दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम दिखाते हैं डी आर से, ठीक है, यानी डी आर में छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस, और ये है वेलोसिटी डिफरेंस यानी डीवी, स्मॉल वेलोसिटी डिफरेंस, या मैं बोलूंगा इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर, शाबाश। और ऐसा कब होगा या वेलोसिटी डिफरेंस कब आती है, जब हम शियर स्ट्रेस देंगे। अब टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, अगर हम स्ट्रेस देंगे, शियर स्ट्रेस दिया हमने, तो किस तरह की डिफॉर्मेशन हो सकती है लिक्विड में। तो लिक्विड्स में डिफॉर्मेशन जो होती है दो तरह की होती है, ये वाली जो डिफॉर्मेशन है शियर स्ट्रेस, ठीक है, एक रहता है न्यूटोनियन, दूसरा रहता है नॉन न्यूटोनियन स्ट्रेस। न्यूटोनियन का मतलब रहता है वो स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो न्यूटोनियन लॉ ओबे करे या फॉलो करे, और नॉन न्यूटोनियन फ्लो का मतलब रहता है या डिफॉर्मेशन का मतलब रहता है जहां पे न्यूटन लॉ ओबे ना हो, जैसे प्लास्टिक फ्लो होता है या सीडो प्लास्टिक फ्लो होता है या डायलेटेंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले समझेंगे हम न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया, वो फ्लो या वो लिक्विड्स जो ओबे करते हैं न्यूटन लॉ फ्लो के दौरान। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन लॉ कहता है कि जितना आप स्ट्रेस देंगे उतना ही डिफॉर्मेशन होगा या उतना ही फ्लो होगा, जितना आप स्ट्रेस देंगे उतना ही इसमें फ्लो होगा, डिफॉर्मेशन होगा। क्लियर, या मैं बोलूंगा स्ट्रेस को कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस। समझ में आ रही ना बात, यानी मान लो ये दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है, तीन लेयर्स के बीच में ये तीन लेयर्स है, हमने यहां पे फोर्स दे दिया, जितना फोर्स ज्यादा देंगे हम उतना यहां पे डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी इन लेयर्स की, उतना ये ज्यादा मूव होंगे। क्लियर, अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को, या मैं बोलूंगा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को, इसको हम दिखाते हैं डीवी बाय डीआर से, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या मैं इसके बदले में लिखूंगा फोर्स बाय एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीआर, यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के से भी दिखा सकते हैं, या इसके बदले हम लिख सकते हैं शियर रेट भी, ठीक है, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी लिखेंगे या शियर स्ट्रेन भी लिखेंगे, यानी खिंचाव कितना आएगा, आप कितना फोर्स दे रहे हैं और खिंचाव कितना आ रहा है, उसको भी कहते हैं हम शियर स्ट्रेन, उसी को कहते हैं, और उसी को हम डीवी बाय डीआर भी कह सकते हैं। क्लियर, अब इस इक्वेशन को अगर मैं इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखूं तो मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा और मैं लिखूंगा एफ बाय ए इज इक्वल टू माइनस नीटा डीवी बाय डीआर। ये जो माइनस है ना यहां पे, इसको हम माइनस नीटा, जो नीटा लगाया मैंने, नीटा को कहते हैं हम, इसको हम ईटा भी पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब रहता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, और जिस तरफ आप फोर्स लगाते हैं रेजिस्टेंस उसके अपोजिट होती है, इसीलिए हम यहां पे माइनस साइन लगाते हैं। क्लियर, शाबाश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नीटा किसके बराबर है, तो इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा एफ बाई ए इंटू इसका उल्टा डी आर बाई डी वी, और ये माइनस साइन इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा नीटा इज इक्वल टू दिस, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके बराबर है। अब अगर मैं इसका और इसका ग्राफ बनाऊं, यानी इन दोनों के बीच में ग्राफ ले लूं, तो मैं कहूंगा फोर्स बाय एरिया वर्सेस डीवी बाय डीआर ग्राफ, तो ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा मुझे, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स रहते हैं उनमें जितना आप स्ट्रेस देंगे शियर स्ट्रेस उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन भी होगा, तो इट विल बी लीनियर ग्राफ, सीधा ग्राफ होगा जो ओरिजिन से शुरू होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा ये, इसके बदले में हम लिखेंगे माइनस
जो नीटा है इसके लिए बदल लिखेंगे 1/n, तो ये 1/n आपको स्लोप मिल जाएगा। क्लियर। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में हमने देखा या न्यूटन फ्लो में हमने देखा कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में ऐसा नहीं होता, या नॉन न्यूटोनियन जो फ्लो होता है उसमें ऐसा नहीं होता, वो न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे पास में कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, उनमें से एक आता है प्लास्टिक फ्लूइड या जिसमें प्लास्टिक फ्लो होता है। प्लास्टिक फ्लो क्या रहता है या प्लास्टिक फ्लूइड क्या रहते हैं? प्लास्टिक फ्लूइड्स को हम कहते हैं या प्लास्टिक मटेरियल्स को हम कहते हैं बिंगम बॉडी या बिंगम मटेरियल्स कहते हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, इनमें अगर आप पहले फोर्स लगाएंगे यानी स्ट्रेस देंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं होती, फिर जब आप फोर्स बढ़ाते रहते बढ़ाते तो एक पॉइंट ऐसा आता कि चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में बढ़ जाता है, यानी स्टार्ट से ही इसमें चेंज नहीं आती, डिफॉर्मेशन पहले ही नहीं होती। आपको एक पर्टिकुलर जो लिमिट है या मैं बोलूंगा थ्रेशोल्ड के अबो आपको फोर्स देना है, इस पॉइंट के ऊपर आप जब जाएंगे तब जाके आपको यहां पे मिलेगा कि डिफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप स्ट्रेस देते हैं, शेयर स्ट्रेस देते हैं या फोर्स देते हैं, इसमें जल्दी डिफॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें पहले जब आप फोर्स बढ़ाते रहते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जीरो से शुरू नहीं होती और उसके बाद में स्मूथली चलता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे से डिफॉर्मेशन शुरू होती है उसको हम कहते हैं लोअर यील्ड वैल्यू पॉइंट, यानी FL कहूंगा मैं इसको। ठीक है, लोअर लिमिट। और जहां पे मैक्सिमम होती है डिफॉर्मेशन उसको हम कहते हैं हायर यील्ड वैल्यू लिमिट, यानी ये FH कहते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो रहता है दरमियान में डिफॉर्मेशन उसको हम कहते हैं FB, यानी इंटरमीडिएट यील्ड वैल्यू लिमिट। यील्ड वैल्यू मीन डिफॉर्मेशन जहां पे शुरू होती है। क्लियर। तो अब अगर मैं ऐसा प्लास्टिक फ्लूइड्स ले लूं, प्लास्टिक का मतलब रहता है जो चिपकते हैं ना, जैसे सीमेंट चिपकता है या जो POP लगाते हैं वो, उनको हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, और जो रबर लाइक रहते हैं ना उनको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब जितना आप इन मटेरियल्स में स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उतना इसका विस्कोसिटी भी कम होता जाता है। मान लीजिए आपके पास में एक प्लास्टिक फ्लूइड है, इसमें आप चम्मच डाल रहे हैं और इसको धीरे धीरे हिला रहे हैं, पहले तो हिल नहीं रहा, अब आप बढ़ा रहे हैं फोर्स तो इसमें चेंजेस आ रही है, इसकी विस्कोसिटी धीरे 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 कम हो जाती है, या मैं बोलूंगा फ्लो बढ़ रहा है यानी डिफॉर्मेशन बढ़ रही है। क्लियर। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं प्लास्टिक फ्लूइड्स। क्लियर। तो प्लास्टिक फ्लूइड्स की जो वेलोसिटी है, प्लास्टिक वेलोसिटी या मैं बोलूंगा इन्हें प्लास्टिक वेलोसिटी जिसको मैं कहूंगा या डिफॉर्मेशन, तो वो बराबर होगा फोर्स कितना लगाया आपने, स्ट्रेस कितना लगाया, शेयर स्ट्रेस माइनस इंटरमीडिएट यील्ड वैल्यू और स्ट्रेस डिवाइड बाय रेट ऑफ शेयर या मैं बोलूंगा डिफॉर्मेशन। ठीक है, और ऐसी सब्सटेंस कहां कहां होती है प्लास्टिक फ्लूइड जो बना, जैसे मैंने आपको बताया जिंक सॉल्यूशन, जो है जिंक सॉल्यूशन में ऐसा होता है, इसमें पहले आप जब हिलाना शुरू कर देंगे तो इसमें जल्दी डिफॉर्मेशन नहीं होती है, आपको स्ट्रेस बढ़ाना है। जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तब जाके इसमें डिफॉर्मेशन शुरू होती है, और बाद में जितना आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो उतना इसमें डिफॉर्मेशन भी बढ़ती जाती है। इस तरह से पेंट्स में भी ऐसा होता है, इस तरह से मिनरल ऑयल्स में भी ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इनमें जल्दी डिफॉर्मेशन क्यों नहीं होती। देखो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे जो सब्सटेंसेस रहते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं। जब तक आप उतना फोर्स नहीं लगाएंगे जिससे ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए तब तक इनमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। एक बार आपने वो लगा दिया वो फोर्स, उस फोर्स के ऊपर आप चले गए तो यहां पर डिफॉर्मेशन शुरू होती है और बाद में जो बढ़ती रहती है। क्लियर। इसके बाद में जो दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लो है, फ्लूइड है या फ्लो जहां नॉन न्यूटोनियन फ्लो जहां पे होता है वो है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, इसको हम शेयर थिनिंग भी कहते हैं। देखो इनमें क्या होता है, इनमें ग्राफ ऑरिजिन से ही शुरू होता है, मतलब आप जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना इसमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन
ये लीनियर नहीं चलता, यानी जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये डिफॉर्मेशन नहीं होती, इसमें पहले कम कम डिफॉर्मेशन होती है लेकिन बाद में अचानक बढ़ जाती है, यानी जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं उतना ये थिन होता जाता है, इसकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। क्लियर? यानी मैं बोलूंगा विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेस या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस मतलब कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, कितना हिला रहे हैं आप इसको। और इसका जो ग्राफ मैंने आपको कहा कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्लियर? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल है इसकी गम, जिसे गून है या जिलेटिन रहता है, इनमें अगर आप पहले ऐसे चम्मच हिलाएंगे ना या स्टायर करेंगे इसको, तो इनमें पहले मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ती रहती, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता कि इनमें डिफॉर्मेशन इतनी बढ़ जाती है हिलाने से कि ये थिन हो जाते हैं, यानी डिफॉर्मेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जितना आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया। क्लियर? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ऐसे जो पॉलीमर्स रहते हैं या ऐसे जो मटेरियल रहते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान या चेन्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, जब आप शेयर स्ट्रेस देते हैं ना, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो ये ऐसे ब्रांचेस है, ये जो इंटरलिंक्स है, ये टूट जाते हैं, ब्रेकिंग ऑफ लिंक्स होता है, और पॉलीमर चेन्स अलग अलग हो जाते हैं जो बाद में इजीली फ्लो हो जाते हैं, इनका फ्लो इंक्रीज होता है और विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर? इसके बाद में लास्ट वाला जो है वह डायलेटेंट फ्लो और या डायलेटेंट फ्लूड्स बोलूंगा मैं, इनमें होती है शियर थिकनिंग, इन्हें बिल्कुल ही उल्टा। इनमें क्या होता है, जितना भी आप ऊपर से फोर्स बढ़ाएंगे, यानी जितना आप स्टायरिंग बढ़ाएंगे, उतना इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, यानी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस जो है उसका अगर आप विस्कोसिटी के साथ ग्राफ लेंगे तो ये ऐसा हो जाता है, ये इंक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो बाद में कांस्टेंट होने लगता है थोड़ा सा। ऐसा कहां पे होता है, विस्कोसिटी हिलाने से कहां पे बढ़ती है? ऐसा होता है वहां पे जहां पे आपके पास में हाईली कंसंट्रेटेड सस्पेंशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैंड लेंगे वाटर में, उसको मतलब हाईली कंसंट्रेटेड मैंने कहा जहां पे बहुत सैंड हो, पानी थोड़ा बहुत हो, उसको अगर आप हिलाते जाएं तो ये गाढ़ा होता जाता है। इस तरह से अगर आप 60% कॉर्न स्टार्च लेंगे, उसको पानी में लेंगे, उसको आप हिलाएंगे, जितना आप ज्यादा हिलाने की कोशिश करेंगे उतना वो गाढ़ा होता जाता है, यानी उसकी विस्कोसिटी उतना बढ़ जाती है। इस तरह से टाइटेनियम ऑक्साइड जो है उसका सस्पेंशन, इनमें ऐसा क्यों होता है? इनमें एक्चुअली पहले पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, जब आप सिट्रस देते हैं तो इनमें फ्लॉकलेशन हो जाती है, इन्हें पार्टिकल्स एक ही जगह जमा हो जाते हैं और बड़े लंप्स बनाते हैं, जिनको बाद में हिलाना या जिनमें डिफॉर्मेशन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? यानी यहां पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन सिट्रस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा भी बना सकता हूँ ये लेक्चर।